आज का टॉपिक है JDBC का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हमने JDBC पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें कौन से स्टेप्स यूज करने हैं। हमारा पहला स्टेप है इंपोर्ट पैकेज, जिसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे java.sql पैकेज। नेक्स्ट स्टेप होगा लोड ड्राइवर, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं class.forName। अब थर्ड स्टेप है क्रिएट कनेक्शन, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं driver-manager.getConnect। हमारा फोर्थ स्टेप होता है क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ पे हम स्टेटमेंट इंटरफेस का जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। हमें देखना है कि इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमें क्यों क्रिएट करना है, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट है डायनेमिक। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम जो क्वेरी यूज करते हैं वो होता है स्टैटिक क्वेरी, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई या फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में राम एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू 2। लेकिन डायनामिक क्वेरी में राम के जगह पे दूसरा कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि सैम या और कोई दूसरा नाम, या फिर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर कोड के जगह पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या कोई दूसरा नंबर, तो इसका क्वेरी कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करते हैं नेम और कोड के लिए, तो क्वेरी होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP नेम इज इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट प्लस वेरिएबल का नाम दैट इज नेम प्लस डबल कोट और एक स्पेस देना है, फिर एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू डबल कोट फिर वेरिएबल का नाम। यहाँ पे इस क्वेरी को लिखने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम स्ट्रिंग या डेट वेरिएबल यूज करेंगे तो इस वेरिएबल के वैल्यूज हमें सिंगल कोट के अंदर लिखना है, और अगर नंबर रहेगा तो सिंगल कोट यूज नहीं करना है। लेकिन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ ये क्वेरी लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इस क्वेरी के लिए हम वेरिएबल कॉन्कैट स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं, इसके जगह हम यूज करते हैं प्लेसहोल्डर्स, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP नेम इज इक्वल टू ? एंड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू ? डबल कोट कंप्लीट। इस क्वेश्चन मार्क को ही हम कह रहे हैं प्लेसहोल्डर्स। इन प्लेसहोल्डर्स को वैल्यू देने के लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के सेट XXX मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पे XXX ये डेटा टाइप है, जैसे कि varchar के लिए हम लिखेंगे सेट स्ट्रिंग, और नंबर डेटा टाइप के लिए हम लिखेंगे सेट इंट। इस मेथड के दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर है प्लेस होल्डर का नंबर। ये प्लेस होल्डर का जो नंबर है वो हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं और स्टार्ट होता है 1 से। अब हमारे क्वेरी में एम्प्लॉई नेम का नंबर है 1 और डिपार्टमेंट कोड का नंबर है 2। इस तरह से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ डायनामिक क्वेरी यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब डेटाबेस में हम किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्वेरी सबसे पहले कंपाइल होता है और उसके बाद रखा जाता है SQL प्लान कैश में। अब अगर हम इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्लान कैश से एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम जब क्वेरी लिखते हैं तो ये इसके एग्जीक्यूट मेथड के साथ रन होता है, लेकिन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा क्वेरी कंपाइल हो जाता है, इसलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को प्री कंपाइल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट मेथड्स सिर्फ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का तीसरा बेनिफिट है इट प्रिवेंट्स SQL इंजेक्शन अटैक्स। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जब हम डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं तो कॉन्कैट करके हम डेटा को पास करते हैं। अब इस क्वेरी को जब पास होना पड़ता है डेटाबेस के लिए तो इसके हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जब हम इस क्वेरी को पास करते हैं तो हम प्लेस होल्डर के साथ पास करते हैं तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसके हैकिंग चांसेस नहीं है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का
कोडिंग लिखते हैं। हमारा डेटाबेस है पेरोल। हमने कोडिंग में यूज किया है ईएनपी टेबल। ईएनपी टेबल के कॉलम्स है ईआईडी, ईनेम और सैलरी। ईआईडी और सैलरी का डेटा टाइप है इंट और ईनेम का डेटा टाइप है वैरकर। अब नोटपैड में कोडिंग लिखेंगे। हमारा स्टेपन है इंपोर्ट पैकेज, इसलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे java.sql पैकेज। JDBC के स्टेप्स को लिखना होगा ट्राई और कैच ब्लॉक में। स्टेप टू है लोड ड्राइवर। यहाँ हमने class.forname कमांड में mysql का ड्राइवर लोड किया है। स्टेप थ्री में हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। हमारा डेटाबेस है पेरोल, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड है सिस्टम। अब हमें स्टेटमेंट क्रिएट करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट करते समय हमें लिखना होता है क्वेरी। हमने इंसर्ट इनटू का क्वेरी लिखा है जिसमें हमने 3 प्लेसहोल्डर्स यूज किए हैं क्योंकि हमारे टेबल में 3 कॉलम्स है ईआईडी, ईनेम और सैलरी। ईआईडी और सैलरी इन डेटा टाइप है इसलिए उनके लिए हम कमांड यूज करेंगे सेट इन। लेकिन ईनेम जो है वो है वैरकर डेटा टाइप इसलिए उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सेट स्ट्रिंग। यहाँ ईआईडी का प्लेसहोल्डर पोजीशन है 1 ईनेम का प्लेसहोल्डर पोजीशन है 2 और सैलरी का प्लेसहोल्डर पोजीशन है 3। यहाँ ईआईडी, ईनेम और सैलरी को हमने वैल्यूज दिए हैं args दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, तो इसको रन टाइम में पास करना होगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। SQL डेटाबेस के लिए क्लास पाथ को सेट करना होगा। रन टाइम पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट args को ईआईडी, ईनेम और सैलरी को स्पेस सेपरेशन से डेटा पास किया। जो डेटा हमने पास किया है वो MySQL में हमें दिख रहा है।